बुलंदशहर में हनी ट्रैपिंग करने वाले गिरोह की महिला समेत 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मामला गैंग जिले में कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ये गिरोह व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर वीडियो चैट कर उसे रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर ब्लैकमेल करते हुए पैसों की डिमांड करते थे। इसका अंदाजा तब हुआ जब जहांगीराबाद के शांखनी निवासी मुख्तार अली ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की। उसने बताया कि एक महिला समेत 5 लोगों का गैंग उसके भाई को हनी ट्रैप के जरिए उससे 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। पैसे नहीं देने पर अश्लील फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दे रहा है। मुख्तार अली ने बताया है कि उसके भाई ने आरोपियों की डिमांड मानते हुए 50,000 रुपए भी दे दिए हैं। तो वहीं शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला सही साबित हुआ, जिसके बाद जहांगीरबाद पुलिस और स्वाट टीम ने दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये जहांगीराबाद थाने में एक सांखनी गांव है जहां के रहने वाले मुख्तार अली पुत्र यासिन अली, इन्होंने पुलिस को एक अप्लीकेशन दिया कि इनके भाई लियाकत को एक षड्यंत्र के तहत हनी ट्रैप पे फंसाया गया और उनसे 15 लाख रुपए की मांग की गई। उनकी इस सूचना पे मुकदमा लिखा गया है जहांगीराबाद में, क्राइम नंबर 470/2022, 342, 386, 504 और 506, और उनकी इस तहरीक के आधार पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें 4 पुरुष हैं और 1 महिला। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बंटी नाम के हैं और उन्होंने महिला को जो अपने पति से अलग रह रही है उसको ये लालच दे करके कि लोगों को देखते हैं कि जो निजी टाइप के पर्सन हैं, लालची हैं या पैसे वाले हैं, उनसे इस महिला से बात करवाते हैं, अश्लील वीडियो या फोटो तैयार करते हैं स्क्रीन शॉट के माध्यम से और फिर उससे पैसे वसूली का धंधा इनका शुरू होगा। इस शिकायत पे जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 50,000 रुपये नगद जो उससे लिए थे और 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। जहांगीराबाद इंस्पेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने कार्रवाई की। सर, कितने लोग टोटल इसमें गिरफ्तार हुए और कितने रुपए की इन्होंने नकदारी मांगी? इन्होंने 15 लाख रुपए उससे मांगे थे कि 15 लाख रुपए दो नहीं तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। और इनके पास से मौके से 50,000 रुपए, 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। और छानबीन की जा रही है। ये 5 तो गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक साथी जो अभी फरार चल रहा है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और सर्विलांस के माध्यम से और भी जो जानकारियां आएंगी अगर उसमें कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से 50,000 रुपए की नकदी और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी इस गिरोह का एक सदस्य फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।